वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुरु नर्सिंग एकेडमी के F1 स्पेशल सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट अपन ने बात करी थी CPR की, आज हम बात करेंगे एनिमा के बारे में। एलिमिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण और एक बेहतरीन टॉपिक है एनिमा, जिससे हर किसी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, फिर अपन शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। वापस उस पर कैसा है, हाँ, अप एंड डाउन के लिए। अच्छा, अनलॉक करना पड़ेगा। अच्छा, स्लाइड में, ठीक, ओके 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 ओके। इसके बाद वापस इस पे जाते हैं, अपना वो खुल जाएगा। ठीक, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जुड़ जाइए वापस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, जो आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बार सर वो, अब इसको लॉक, अच्छा लॉक हो गया है। हाँ, ठीक, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन प्रिपरेशन फॉर एब्डोमिनल सर्जरी ए पेशेंट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड ए प्री ऑपरेटिव एनिमा। द पोजिशन ऑफ द पेशेंट फॉर दिस एनिमा शुड बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पेशेंट है, उस पर क्या होने वाला है, एब्डोमिनल सर्जरी होने वाली है, हम उसकी क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फॉर एब्डोमिनल सर्जरी प्रिपरेशन में हमने क्या दिया है, प्री ऑपरेटिव एनिमा। देखो आपका क्वेश्चन ही आपको बहुत सारी चीजें बता के जाएगा, बहुत सारी चीजें सिखा के जाएगा। क्वेश्चन अपने आप में कहता है कि बिफोर सर्जरी वी नीड टू डू प्री ऑपरेटिव एनिमा, आपको पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, प्री ऑपरेटिव एनिमा। तो एक चीज तो आपको यहां पकड़ आई कि आपको ऑपरेशन से पहले, किसी भी तरीके की सर्जरी से पहले क्या देना होता है, प्री ऑपरेटिव एनिमा देना होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि एनिमा में, प्री ऑपरेटिव एनिमा में कौन सी पोजिशन आप प्रेफर करेंगे, कौन सी पोजिशन आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हम बात करेंगे किसकी, एनिमा की, किसकी बात करेंगे, एनिमा की। अगर एनिमा के बारे में मैं आपसे बात करूं तो एनिमा के लिए बेसिक सा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सीधा सीधा पूछा जाता है कि एनिमा को और क्या कह सकते हैं। तो एनिमा के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्लस्टर। क्या यूज करते हैं, क्लस्टर और क्लाइसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे, क्लस्टर और क्लाइसिस। सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एनिमा, आप क्या यूज करेंगे, क्लस्टर और क्राइसिस। एनिमा होता क्या है, अगर हम बात करें एनिमा क्या होता है, तो एनिमा इज ए, गुड इवनिंग ऑल, एनिमा होता क्या है, एनिमा इज ए फ्लूड इंसर्शन, इट इज ए फ्लूड इंट्रोडक्शन, फ्लूड इंट्रोडक्शन इंटू लोअर GIT। अगर लोअर GIT की मैं बात करूं तो यहां हम किसकी बात करेंगे, कोलोन की बात करेंगे, तो रेक्टम। समझना, एनिमा क्या कहना चाहता है, हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, फ्लूड इंसर्ट कर रहे हैं, हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, फ्लूड इंसर्ट कर रहे हैं, कहां से इंसर्ट कर रहे हैं, रेक्टम के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमें इंसर्ट कहां करना है, लो, हमें इंसर्ट कहां करना है, हमें इंसर्ट कहां करना है, लोअर GI ट्रैक में इंसर्ट करना है, मींस कोलोन में इंसर्ट करना है। कोलोन में भी बेसिकली सिग्मॉइड कोलोन नीचे की तरफ होता है। ठीक है,
अब यहां समझने वाली बात है, एक टर्म और यूज करते हैं हम कि हम यहां कर क्या रहे, किसी तरीके की फ्लूड को इंसर्ट कर रहे, क्या कर रहे, फ्लूड इंसर्ट कर रहे, कहां इंसर्ट कर रहे, रेक्टम में इंसर्ट कर रहे। तो याद रखना बॉडी कैविटी में, इन अ बॉडी कैविटी जब भी आप कुछ इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म हम यूज करते हैं। यहां हम यूज कर रहे थे लिक्विड या फिर फ्लूड। लिक्विड फॉर्म में अगर आप कुछ यूज करेंगे तो हमेशा हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन, तो एनिमा एक कैसी प्रोसेसर है, इंस्टिलेशन प्रोसेस है। इंस्टिलेशन, अगर आपको इंस्टिलेशन ध्यान रखना है तो सीधा सीधा ध्यान रखें 3E। 3E क्यों? क्योंकि बेसिकली हम तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा करते हैं, लाइक आई ड्रॉप, सेकेंड ईयर एंड थर्ड इज एनिमा। थर्ड इज एनिमा, तो तीन तरीके का इंस्टॉलेशन करते हैं, आईज में, ईयर में और एनिमा में। मतलब तीनों ही कंडीशन में हम बॉडी की किसी कैविटी में फ्लूड इंसर्ट करवाएंगे। हम बात करें क्लाइसिस की, क्लाइसिस की अगर मैं बात करूं तो हम बॉडी कैविटी में, बॉडी कैविटी के कौन से रीजन में इंसर्ट कराएंगे, लोअर जीआई ट्रैक में, और लोअर जीआई ट्रैक में कहां से इंसर्ट करा रहा है, रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करा रहा है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, एनिमा कह देंगे। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि एनिमा में पोजीशन कौन सी देनी है। हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एनिमा में पूछा है कि पोजीशन कौन सी देनी है। उससे पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा कि एनिमा दो तरीके का होता है, एक होता है इवैक्यूएंट एंड सेकेंड इज रिटेन। एक हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए बेरियम एनिमा भी यूज करते हैं, तो कई बार कई जगह क्लासिफिकेशन आपको अलग से भी दिखा देगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। इवैक्यूएंट की अगर मैं बात करूं तो इवैक्यूएंट के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, नॉट रिटेनिंग एनिमा या फिर एक्सपेलिंग एनिमा। वही अगर रिटेन की मैं बात करूं तो रिटेन्ड का मतलब होता है नॉन एक्सपेलिंग एनिमा। सॉरी, ठीक है, दो तरीके के एनिमा हम पढ़ेंगे, इवैक्यूएंट एनिमा और रिटेन्ड एनिमा। दोनों तरीके के नाम आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जब भी हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस की, लाइक पहला क्वेश्चन जो हमारा है पोजीशन बेस्ड है, अगर हम बात करें पोजीशन की, पोजीशन के अलावा हम टेम्परेचर की बात करें, फ्लूड वॉल्यूम की बात करें, हाइट की बात करें, हर चीज की अगर हम बात करेंगे तो दैट विल बी वेरिएंट विद टाइप ऑफ एनिमा। ठीक है, इवैक्यूएंट के लिए हम अलग पोजीशन यूज करेंगे, रिटेन्ड के लिए हम अलग यूज करेंगे, अलग अलग टेम्परेचर यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको दोनों के नाम बताए हैं। इवैक्यूएंट का मतलब मेनली जो फ्लश आउट करता है, बाहर की तरफ निकालता है, इसीलिए इसको एक्सपेलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये बॉडी में रिटेन नहीं रहता है, स्टोर नहीं होता है, रुकता नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, नॉन रिटेनिंग एनिमा। उधर ही अपोजिट वे में रिटेनिंग एनिमा जो कुछ वक्त के लिए बॉडी में ठहरता है, रुकता है, उसको रिटेनिंग एनिमा कहते हैं, और बाहर नहीं निकलता इसलिए इसको क्या कह देते हैं, नॉन एक्सपेलिंग एनिमा। ठीक है, वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें किसी तरीके की एब्डोमिनल सर्जरी करनी है और सर्जरी के दौरान हमें क्या देना है, प्री ऑपरेटिव एनिमा। अब याद रखना कि प्री ऑपरेटिव एनिमा आप देंगे क्यों, प्री ऑपरेटिव एनिमा इसलिए दिया जाता है क्योंकि बिफोर द सर्जरी आपको क्या करना है, कॉलन को, रेक्टम को एम्प्टी करना है, बॉबल को क्या करना है, फॉर एम्प्टिंग बॉबल, बॉबल को क्या करना है, एम्प्टी करना है। आपने हमेशा देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि बिफोर द एनी ऑपरेटिव प्रोसीजर या किसी भी तरीके की सर्जरी से पहले, ऑपरेशन से पहले, या किसी भी तरीके का हमें इन्वेजन प्रोसीजर करना है तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा, कुछ वक्त से पहले, लाइक बिफोर 6 to 8 hours, डॉक्टर आपको क्या रख देगा, एनबीएम रख देगा, क्या रख देगा, एनबीएम रख देगा, निल बाय माउथ या फिर एनपीओ, निल पर ओरल। कैसी कंडीशन रख देगा, निल बाय माउथ या फिर निल पर ओरल। ठीक है, मतलब आपको ओरली कुछ भी नहीं लेना है, आप सिर्फ आईवी फ्लूड के ऊपर बेस्ड रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ भी इनटेक करते हैं तो वो कहां जाएगा, बॉबल और ब्लेडर में, जो आपको ड्यूरिंग द सर्जरी अगर वो इवैक्यूएट आउट होता है
तो ड्यूरिंग द सर्जरी वो सर्जरी के प्रोसीजर को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो इसी कंडीशन की वजह से हमें क्या करना है, प्री ऑपरेटिव एनिमा देना है। कैसा एनिमा देना है, प्री ऑपरेटिव एनिमा। क्यों देना है, बॉबल को एम्प्टी करने के लिए देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन की। लेथोटोमी पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन एंड सेमी फॉलोअर पोजीशन। सभी अपने अपना आंसर पुट करें ताकि हम इवैल्यूएट कर पाए कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट इज लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमिकल पोजीशन बेसिकली टीवीडी में यूज की जाती है, ट्रांस वजाइनल डिलीवरी। जो नॉर्मल डिलीवरी के केसेस हैं वहां पर फीमेल को मोस्ट प्रेफर कौन सी पोजीशन यूज कराई जाती है, लिथोटोमी पोजीशन यूज कराई जाती है। सेकंड अगर मैं बात करूं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन की, तो ये ऑपरेटिव प्रोसीजर है, ऑपरेटिव पोजीशन है जो ऑपरेशन के दौरान यूज में ली जाती है। ठीक है, सेमी फॉलर पोजीशन, ये कार्डियक पोजीशन भी आती है जिसमें जब इंसान बैठता है, पेशेंट बैठता है, तो कहीं ना कहीं कार्डियक प्रेशर रिलीज होता है, रेस्पिरेटरी प्रेशर रिलीज होगा और पेशेंट को ब्रीथ इन इनहेल करने में इजी रहेगा। इसको कार्डियक टेबल की सहायता से पेशेंट को बिठाते हैं और कार्डियक पोजीशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन, सी विल बी योर राइट आंसर। अब लेफ्ट लेटरल आपका सही आंसर कैसे होगा, तो ध्यान से पढ़े कि जब भी आप पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, कैसी पोजीशन देंगे, आप कैसी पोजीशन देंगे, हम पहले बात किसकी करेंगे, पोजीशन की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, पोजीशन की दे रहे हैं। हमने क्या देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी क्यों है, बेसिकली साइडलाइन पोजीशन देने का पर्पस क्या है, हमें क्या इंसर्ट करना है, फ्लूड इंसर्ट करना है। कहां से इंसर्ट करना है, रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करना है। तो ध्यान रखना जब भी हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन के दौरान आपका जो कॉलन होगा, आपका जो कॉलन होगा इट विल बी बिलो रेक्टम। Will be below rectum. आपका जो colon वाला रीजन है वो रेक्टम के नीचे आ जाएगा, ताकि अगर आप रेक्टम के थ्रू कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो colon वाले पार्ट में इजिली इंसर्ट हो जाएगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपके फ्लूड को इजी इंसर्शन के लिए आपको कौन सी पोजिशन देनी है, लेफ्ट लेटरल पोजिशन के लिए। किसके लिए देनी है, इजी इंसर्शन के लिए। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इवैक्यूएंट के लिए हमें क्या करना है, इवैक्यूएंट जब भी आप एनिमा दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए सरफेस या बेड कैसा होना चाहिए, फ्लैट। बेड कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। पर अगर मैं बात करूं रिटेन्ड एनिमा की, तो रिटेन्ड एनिमा में हमेशा याद रखना कि जो आपका फुट एंड है, जो आपका फुट एंड है, इट मस्ट बी स्लाइटली एलिवेटेड, स्लाइटली एलिवेटेड, ताकि जो फ्लूड आप इंसर्ट करवा रहे हैं वो फ्लूड बॉडी के अंदर क्या हो जाए, रिटेन्ड हो जाए, फॉर इजी रिटेन। ठीक है, आ गई बात समझ में। दो कंडीशन अपन ने बात करी, कौन कौन सी बात करी, राइट आंसर क्या बताया था मैंने, लेफ्ट लेटरल, सी आपका राइट आंसर था। क्यों देंगे, ताकि कॉलोन जो है वो आपके रेक्टम से नीचे आ जाए। ठीक है, और जब भी हम सरफेस कैसी रखनी है, फ्लैट रखनी है। जब आप कौन सा देंगे, रिटेन्ड वाला देंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि फुट एंड को क्या करना है, थोड़ा एलिवेट करना है। और एलिवेट करेंगे रेक्टल ब्लीडिंग। देखो, जब भी एब्डोमिनल सर्जरी किसी तरीके की जानी है तो ऐसा नहीं है कि हर एक एनिमा आपकी रेक्टल म्यूकोसा को इरिटेट करेगा। हम अलग अलग तरीके का एनिमा यूज करते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक एनिमा, एक हम यूज करते हैं इमोलेंट एनिमा। अक्सर हम पढ़ते हैं कि डायरिया की वजह से आपकी जो इंटरनल म्यूकोसा है, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, वो इन्फ्लाम हो जाती है। और इन्फ्लेम के बाद जब बार बार पेशेंट डायरिया की कंडीशन में जाएगा, बार बार फ्रिक्वेंटली स्टूल पास आउट करेगा, तो उसको क्या होने लग जाएगी पाथवे में,
इरिटेशन होने लग जाएगी। उस इरिटेशन को कम करने के लिए हम जनरली कौन सा ये एनिमा यूज करेंगे, इमोलेंट एनिमा यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस कंडीशन में हम एनिमा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कौन सी पोजिशन हम यूज करेंगे, लेफ्ट लेटरल पोजिशन यूज करेंगे। आगे बात, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग, विच टाइप ऑफ एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ पॉइजनिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एनिमा देना है, किस तरीके का एनिमा देना है, कैसी कंडीशन है, कंडीशन है पॉइजनिंग की, कैसी कंडीशन है पॉइजनिंग की, मतलब कि मतलब कि अगर हम बात करें कि पॉइजनिंग की कंडीशन में हमें एनिमा देना है तो हम कौन सा वाला एनिमा प्रेफर करेंगे। किसी तरीके की पॉइजनिंग हो गई है, अब हमें नहीं पता, हमें उसको इवैक्यूएट आउट करवाना है, इन दैट कंडीशन हम किस तरीके का एनिमा देंगे। चार तरीके के नाम है, एनेस्थेटिक एनिमा, स्टिमुलेंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा और इमोलेंट एनिमा। पहली अगर मैं बात करूं तो ये चारों ही किस तरीके के टाइप है, रिटेन्ड एनिमा के। किस तरीके के एनिमा है ये सारे रिटेन्ड एनिमा है। अगर इनमें किसी को ऐड कर दिया जाए, अगर इसमें मैं ऐड कर दूं न्यूट्रिटिव एनिमा, तो न्यूट्रिटिव एनिमा भी एक तरीके का रिटेन्ड एनिमा है। रिटेन्ड एनिमा है मतलब फ्लूड का वॉल्यूम कैसा देना है, कम देना है। उसके अलावा इसको रिटेन्ड होने के लिए बॉडी में टाइम चाहिए, ठीक है। अब पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो, हाँ देखो, चार तरीके के एनिमा हमने देख रखे हैं। एनेस्थेटिक एनिमा, एनेस्थेटिक एनिमा हम क्यों देंगे, फॉर लॉस ऑफ सेंसेशन। बेसिकली एविटीन वगैरह अपन इसके लिए यूज करते हैं। एक होता है सेडेटिव एनिमा, सेडेटिव एनिमा क्यों देंगे हम, पेशेंट को सेडेशन इंड्यूस कराने के लिए, सेडेशन या फिर स्लीप इंड्यूस कराने के लिए, इसके लिए देंगे, स्लीप को इंड्यूस कराने के लिए देंगे। सेडेटिव एनिमा मेनली देंगे क्यों, जो पैलिएटिव केयर के पेशेंट्स हैं, कैसे पेशेंट्स हैं, पैलिएटिव केयर के पेशेंट है या फिर कार्सिनोमा के पेशेंट है। पैलेटिव केयर मतलब जो टर्मिनल एल के पेशेंट है, जिनको सिर्फ पेन रिलीफ आप कर सकते हो, जो डिजीज कंडीशन है उस डिजीज कंडीशन की वजह से आप डेथ गोइंग की तरफ नहीं रोक सकते हो, इन दैट कंडीशन आप पैलेटिव केयर में आप उसको कैसा एनिमा दोगे, सेडेटिव एनिमा दोगे। एक है इमोलेंट एनिमा। इमोलेंट एनिमा क्या करता है, आपकी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है उसकी सॉफ्टनिंग का काम करता है, उसकी सॉफ्टनिंग का काम करेगा। और जब सॉफ्टनिंग का अगर ये काम करेगा, मतलब जो आपका जीआई पाथवे है, जीआई पाथवे है, जो जीआई पाथवे है कोलन वाला जो रीजन है, उसमें क्या कर रहा है, ये इजी गोइंग कर रहा है, वहां सॉफ्टनिंग का काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन इरिटेशन है उसको रिड्यूस करेगा, जो इन्फ्लामेशन है जो इरिटेशन है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इमोलेंट एनिमा क्यों दे रहे हैं, रिड्यूस करने के लिए, एनेस्थीसिया लॉस ऑफ सेंसेशन, सेडेटिव सेडेशन को इंड्यूस करने के लिए, कैसी कंडीशन में, पैलेटिव केयर की कंडीशन में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्टिमुलेंट एनिमा। क्या होगा राइट आंसर, बी विल बी योर राइट आंसर। देखो, जब भी आपसे बात करी जाए किसकी, स्टिमुलेंट एनिमा की, किसकी बात करी जाए, स्टिमुलेंट एनिमा की, स्टिमुलेंट एनिमा की कुछ खास बात याद रखना, जब भी स्टिमुलेंट एनिमा आए तो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी, जैसे शॉक का पेशेंट हो या फिर पॉइजनिंग का पेशेंट हो या फिर
पॉइजनिंग का पेशेंट हो। ये तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। इन तीनों कंडीशंस में हमें कौन सा एनिमा यूज करना है? स्टिमुलेंट एनिमा। स्टिमुलेंट एनिमा क्या करता है? ये फंक्शनल एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ये फंक्शनल एक्टिविटी को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, शॉक हो गया, कोलैप्स हो गया, या फिर पॉइजनिंग की कंडीशन हो गई। तीनों तरीके की कंडीशंस में हमें क्या देना है? स्टिमुलेंट एनिमा देना है। पॉइजनिंग की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, कैसी पॉइजनिंग? ओपीएम पॉइजनिंग में, ओपीएम की अगर पॉइजनिंग होती है, ऑपाइड की अगर पॉइजनिंग होती है, तो हम कौन सा एनिमा देंगे? स्टिमुलेंट एनिमा तो देंगे ही। अगर स्टिमुलेंट एनिमा भी मैं बात करूं तो हम कौन सा एनिमा यूज करते हैं? कॉफी एनिमा। कौन सा एनिमा देते हैं? कॉफी एनिमा। एक और हम यूज करते हैं ब्रेंडी, तो वो भी किसका एक टाइप है? स्टिमुलेंट एनिमा का ही टाइप है। ठीक है, ठीक है, वापस हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की तरह। तो राइट आंसर आपका क्या था? स्टिमुलेंट एनिमा। बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। All of the following are the reason for administering an enema, except. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सारी कंडीशन किसके फेवर में है? एनिमा देने की कंडीशन की फेवर में, एक्सेप्ट वन कंडीशन। मतलब सिर्फ एक ऐसी कंडीशन होगी जो एनिमा की फेवर में नहीं होगी, बाकी सारी कंडीशन किसके फेवर में है? एनिमा के फेवर में है। देखो, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ऑब्वियस सी बात है, एनिमा दिया क्यों जाता है? स्टूल को सॉफ्टनिंग करने के लिए, उस पाथवे को इजीनेस करने के लिए, उसको ताकि स्टूल इजीली क्या हो सके? पास हो सके। और अगर स्टूल पास होगा तो कैसी कंडीशन रिलीव होगी? कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन। तो हम कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए क्या देते हैं? एनिमा देते हैं। प्रिवेंट एस्केप ऑफ फिकल मटीरियल ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि किसी भी तरीके की कोई सर्जिकल प्रोसीजर है तो उस सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान किसी भी तरीके का फीकल मटेरियल एस्केप आउट ना हो। क्या करता है? सर्जरी के दौरान फीकल मटेरियल को बाहर निकलने से क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रिवेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हम कैसा एनिमा देते हैं? प्री ऑपरेटिव एनिमा देते हैं, और प्री ऑपरेटिव एनिमा आपके बाउल को क्या करता है? एम्प्टी करता है, ताकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली। आपका फीकल मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसीजर प्रिवेंट आउट, एस्केप आउट नहीं होने वाला। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश ए बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम। बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कई बार क्या होता है, जब पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेटेड है, फीकल इंफेक्शन का पेशेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो बॉवल टाइमिंग है, जो डेफिकेशन टाइमिंग है, वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इन दैट कंडीशन उसके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रॉपर नहीं आएंगे, बॉवल मूवमेंट प्रॉपर नहीं आएंगे। तो उस रूटीन को वापस से लाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? एनिमा यूज करते हैं। बॉवल ट्रेनिंग सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेट ए टाइम। जो भी पेशेंट का डेली रूटीन टाइम है, उस डेली रूटीन टाइम पे हमें एनिमा देना है, ताकि बॉवल मूवमेंट, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, उनका एक टाइम फिक्स हो, और ताकि पेशेंट के अंदर बॉवल ट्रेनिंग वापस से गेन हो जाए। अगर मैं बात करूं वेट लॉस की, तो एनिमा से किसी भी तरीके का वेट लॉस नहीं होता है। तो सिवाय वेट लॉस के हर एक ऑप्शन आपका किसके फेवर में है? एनिमा के फेवर में है। तो हम बात करेंगे, आपका राइट आंसर क्या होगा? बी विल बी योर राइट आंसर। वेट लॉस का कहीं भी एनिमा से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछे हैं, किसके पूछे हैं? एनिमा के पूछे हैं, जो हमारा पॉइंट है। ठीक है, देखो, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट टॉपिक, कंप्लीट डिटेल, पूरी थ्योरी मैं आपको 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में डिस्क्राइब करवा दूं, एक घंटे की क्लास में एक्सप्लेन करवा दूं, बट हाँ, इट इज अ समरी कि यहाँ हम ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे। और अगर आपको और डिटेल थ्योरी जाननी है तो आप कोचिंग के ऑफलाइन क्लास को या बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हमने यह कोशिश किया कि हर तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिस पैटर्न से पूछा जाता है, रिलेटेड टू द टॉपिक, हम यहाँ पर आपके सामने लाए विद कंप्लीट रैशनल एंड आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एनिमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, मतलब एनिमा कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो पहला इज सीवियर कॉन्स्टिपेशन, देखो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए ही एनिमा दे रहे थे अपन, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बॉवल परफोरेशन, बॉवल क्लियरेंस बिफोर सर्जरी, ये वही प्री ऑपरेटिव एनिमा आ गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस, बॉवल परफोरेशन, दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए, बचा कौन कौन सा, बॉवल परफोरेशन और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो याद रखना अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोलोन का इंफ्लामेशन, कोलोन का क्या हो जाएगा, इंफ्लामेशन। तो इस इंफ्लामेशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इंफ्लामेशन की कंडीशन में डायग्नोस करने के लिए कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कहां से हो रही है, क्यों हो रही है, किसी तरीके का ट्यूमर तो नहीं है, किसी तरीके की इरिटेशन है या इंफ्लामेशन है, तो ये किस रीजन से है, इसलिए हम डायग्नोस्टिक एनिमा यूज करते हैं। दूसरा, इसके लिए हम हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन भी यूज करते हैं, कई बार हाइपरटॉनिक एनिमा भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में हम क्या देंगे, एनिमा देते हैं, जबकि बॉवल परफोरेशन की कंडीशन में आप कभी भी एनिमा नहीं देंगे। कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे, बॉवल परफोरेशन की कंडीशन में एनिमा नहीं देंगे। देखो समझना मेरी बात, बॉवल परफोरेशन की कंडीशन में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो इंटरनल म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, वो क्या हो जाएगी, परफोरेटेड हो जाएगी, और परफोरेटेड होने की वजह से जब भी आप एनिमा इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो जो फ्लूड प्रेशर है वो आपकी परफोरेटेड टिश्यूज और सेल को क्या करेगा, हर्ट करेगा, और उसकी वजह से ब्लीडिंग बढ़ सकती है, ठीक है, और भी इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम कभी भी बॉवल परफोरेशन की कंडीशन में क्या नहीं देंगे, एनिमा नहीं देंगे। देन राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एनिमा द पेशेंट कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स। हम क्या दे रहे हैं, एनिमा दे रहे हैं, एनिमा के दौरान पेशेंट किसकी कंप्लेंट कर रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प की कंप्लेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट एक्शन बाय द नर्स। ऐसा कोई पेशेंट है जिसे हम क्या दे रहे हैं, एनिमा दे रहे हैं, ड्यूरिंग द एनिमा प्रोसीजर पेशेंट को क्या आने लग गए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने लग गए, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स की वजह से एज ए नर्स हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कौन सा एक्शन लेंगे, क्या करेंगे जिससे पेशेंट को। पहला कंडीशन कहता है कंटिन्यू गिविंग एनिमा एज इट इज एन एक्सपेक्टेड रिएक्शन। देखो जब भी एक बात हमेशा ध्यान रखना, एज ए नर्स हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी होती है पेशेंट्स कंफर्ट, पेशेंट केयर। हम जो भी एक्शन देंगे वो कैसा देंगे, पेशेंट सेंटर्ड, क्लाइंट सेंटर्ड एक्शन हम लेते हैं। तो याद रखना जब भी आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, चाहे वो इंट्रावीनस प्रोसीजर हो, आप आईवी लाइन कर रहे हैं, चाहे आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, या किसी भी तरीके का प्रोसीजर हो, ड्यूरिंग द प्रोसीजर अगर पेशेंट के अंदर किसी भी तरीके की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं या किसी भी तरीके का एलर्जी या चेंजेस देखने को मिलता है, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हमें उस प्रोसीजर को स्टॉप करना है, हमें उस प्रोसीजर को क्या करना है, स्टॉप करना है। और स्टॉप करने के बाद में जब उस जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उनको सबसाइड करने के बाद में आफ्टर इवेल्युएटिंग हम अपना प्रोसीजर वापस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर कंटिन्यू तो कभी नहीं करना है, स्लो डाउन द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनिमा की रेट को स्लो करने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, देखो एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक इज अ पेन किलर, पेन किलर, जो पेन को रिड्यूस करती है मेडिसिंस, उनको कहते हैं एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक का एब्डोमिनल क्रैम्प पे ड्यूरिंग द एनिमा कहीं कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम एनाल्जेसिक भी नहीं देंगे। हाँ, राइट आंसर इज स्टॉप गिविंग एनिमा, राइट आंसर क्या होगा, सी विल बी योर राइट आंसर। आई एम रिपीटिंग अगेन, मैं वापस से बता रहा हूं कि जब भी किसी प्रोसीजर के दौरान
किसी भी तरीके की कोई रिएक्शन आपको देखने को मिलती है तो क्या करना है, सबसे पहले उस प्रोसीजर को क्या करना है, स्टॉप करना है, और स्टॉप करने के बाद आपको उस कंडीशन को सबसाइड होने देना है। आफ्टर उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है, असेसमेंट करना है, और आफ्टर असेसमेंट आप वापस से उस प्रोसीजर को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, रह जाएगी बात ध्यान। तो पेशेंट जिसको एब्डोमिनल क्रैम की समस्या आ रही थी, हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले एनिमा स्टॉप करेंगे, प्रॉब्लम सबसाइड होने के बाद उसको वापस से एनिमा देंगे। ठीक है, रह जाएगी बात ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन एन एडल्ट एनिमा ट्यूब शुड बी इंसर्टेड इनसाइड द रेक्टम। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एनिमा ट्यूब को कितना इंसर्ट करना है इनटू द रेक्टम। हम कहां से इंसर्ट करते हैं, रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करते हैं, और रेक्टम के थ्रू जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो आपको कितना इंसर्ट करना है, यहां पूछी है इंसर्शन की साइज। ठीक है, कितनी लेंथ को आपको इंसर्ट करना है। पहली चीज ध्यान रखना, हम किसकी बात करेंगे, इंसर्शन की। तो पहली चीज ध्यान रखना, जब भी आप इंसर्ट करेंगे आप क्या यूज करेंगे, आपको यूज करना है वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट। क्या यूज करना है, वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट जो आप यूज करेंगे कैथेटर टिप को ल्यूब्रिकेट करने के लिए बिफोर द इंसर्शन, आप कैसा यूज करेंगे, वाटर सॉल्युबल यूज करेंगे। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम लेते हैं 2% लिग्नोकैन, 2% लिग्नोकैन, या फिर वैसलीन भी एक तरीके का क्या है, वाटर सॉल्युबल ल्यूब्रिकेंट है। ठीक है, अगर इंसर्ट की मैं बात करूं तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग इंसर्शन करेंगे, अडल्ट की बात करेंगे, चाइल्ड की बात करेंगे, और इन्फेंट की बात करेंगे। अडल्ट की अगर अपन बात करें तो अडल्ट में कितनी करेंगे, 3 to 4 inches, कितना इंसर्ट करेंगे, 3 to 4 inches। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 to 2.5 inch किसमें यूज इंसर्ट करेंगे, और 1 to 1.5 inch किसमें इंसर्ट करेंगे, इन्फेंट में इंसर्ट करेंगे। अगर इसी चीज को, ये क्या है, इंचेस है, अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा, याद रखना 1 inches इज इक्वल टू 2.5 centimeter। अगर इसी हिसाब से मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, 7.5 to 10 centimeter, 5 centimeter to 7.75 centimeter, and 3 to 2.5 to 3.75 centimeter। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितना आपको इंसर्ट करना है, अडल्ट में कितना इंसर्ट करोगे, 3 to 4 inch, चिल्ड्रन में 2 to 2.5 inch, और इन्फेंट में 1 to 1.5 inch। अब यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप इंसर्ट करेंगे तो नॉट मोर देन 4 inches। क्या नहीं करना है, कभी भी आपको 4 inch से ज्यादा कैथेटर टिप को इंसर्ट नहीं करना है, चाहे फिर आप कितना भी लुब्रिकेंट कर लें, पर आपको कितना इंसर्ट नहीं करना है, Not more than 4 inches. 4 inch से ज्यादा अगर आप इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा, आपकी जो रेक्टल इंजरी होने के चांसेस है, परफोरेशन होने के चांसेस है, तो आपको कभी भी 4 inch से ज्यादा इंसर्ट नहीं करना है। वापस अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितनी इंसर्ट करनी है, 1 to 2 inch नहीं, 5 to 6 inch नहीं, 7 to 8 inch नहीं, ये दोनों किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। याद रखना, अगर 4 से ज्यादा हमने इंसर्ट कर दी, कितनी, अगर आपने 4 inches से ज्यादा इंसर्ट कर दी तो ये क्या कॉज कर देगा,
इंजरी के चांसेस कॉज कर देगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो आपके बनते ही नहीं है। अगर मैं बात करूं 3 to 4 इंच और 1 to 2 इंच, तो 3 to 4 इंच आपका राइट आंसर होगा फॉर अडल्ट। किसके लिए पूछा है? अडल्ट के लिए पूछा है, तो बी विल बी योर राइट आंसर। 1 से 2 इंच आप बच्चों में यूज कर सकते हो इन्फेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइट ऑफ एनिमा कैन शुड बी, देखो क्या पूछी है, हाइट पूछी है, किसकी पूछी है? एनिमा कैन की पूछी है। अब समझना मेरी बात, पेशेंट है कोई आपका, ठीक है, ये कोई अगर पेशेंट है और आपने क्या कनेक्ट किया है, एनिमा कैन, क्या कनेक्ट किया है, एनिमा कैन, तो ये एनिमा कैन पेशेंट के रेक्टम तक किसी ट्यूब के थ्रू आएगा, ठीक है। फिर यहाँ कैथेटर टिप से हम इंसर्ट कराएंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो एनिमा कैन है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मतलब कि इसकी पेशेंट से दूरी कितनी होनी चाहिए, समझ आई बात। अब अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस के लिए हम दो तरीके से बात करते हैं, एक बात करते हैं इवेक्वेंट के लिए और एक बात करते हैं हम रिटेन्ड एनिमा के लिए। अगर इवेक्वेंट एनिमा की मैं बात करूं, तो बेसिक कॉमन डिस्टेंस है, दैट इज 45 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। याद रखना 45 सेंटीमीटर ही एक बच्चे की लेंथ होती है जब वो पैदा होता है, 45 सेंटीमीटर का ही अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, और 45 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस हम रखते हैं फोटोथेरेपी के अंदर लेंथ से। रिटेन्ड की अगर मैं बात करूं, तो रिटेन्ड में कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर आपको क्या रखनी है, हाइट रखनी है। अगर इसी चीज को आप इंचेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इट विल बी 18 इंचेस एंड दिस विल बी 8 इंचेस। रह जाएगी बात ध्यान, हम कितना इंसर्ट कर रहे हैं, इवेक्वेंट एनिमा के लिए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर, रिटेन्ड के लिए कितनी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। रह जाएगी बात ध्यान, अगर इंचेस की बात करें तो 18 इंचेस और 8 इंचेस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, हाइट ऑफ एनिमा कैन इंचेस में पूछा है, 18 इंचेस आपका राइट आंसर होगा, देन डी विल बी योर राइट आंसर। क्या होगा? डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लीनिंग एनिमा इज ऑर्डर्ड फॉर ए 55 ईयर ओल्ड क्लाइंट। क्लाइंट कैसा है? 55 ईयर ओल्ड है। क्या है? बिफोर इंटेस्टाइनल सर्जरी। किसी इंटेस्टाइनल सर्जरी से पहले हमने क्या देना है, एनिमा देना है। द मैक्सिमम अमाउंट, कितना अमाउंट पूछा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इसमें एनिमा की वॉल्यूम पूछी है। अब अगर वॉल्यूम की बात करूं, तो वॉल्यूम का अमाउंट भी सबके लिए वेरिएशन होगा। हमने क्या पूछी थी पहले, हाइट, हाइट दो तरीके से बताई, इवेक्वेंट के लिए कितनी बताई 45 सेंटीमीटर 18 इंचेस, रिटेन्ड के लिए हमने बात करी कितनी 20 सेंटीमीटर कितनी 8 इंचेस। अब हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की, किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की। हमें वॉल्यूम कितना इंसर्ट करना है, वॉल्यूम दो तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, एक याद रखना लार्ज वॉल्यूम करते हैं और एक करते हैं स्मॉल वॉल्यूम। अगर लार्ज वॉल्यूम से भी ज्यादा आप इंसर्ट करते हैं, तो एक्सेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, आपकी आंत में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक लार्ज वॉल्यूम एनिमा और एक स्मॉल वॉल्यूम एनिमा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसके लिए, इवेक्वेंट एनिमा की, किसकी बात कर रहा हूं, इवेक्वेंट एनिमा की, अडल्ट के लिए, चाइल्ड के लिए और इन्फेंट के लिए, तीन क्राइटेरिया देखेंगे हम। तो अडल्ट की अगर मैं बात करूं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम कितना इंसर्ट करवा सकते हैं, 500 to 1000 ml। कितना इंसर्ट करवा देंगे, 500 to 1000 ml, मतलब 500 से 1000 ml। चिल्ड्रंस की अगर बात करें, तो 250 से 500 ml, और इन्फेंट की अगर बात करें तो 250 ml। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी वॉल्यूम की बात आए, तो वॉल्यूम यहां हम कितना देखते हैं, वॉल्यूम देखा जाता है पिंट के अंदर, इसमें देखा जाता है, पिंट में देखा जाता है,
और पिंट क्या कहता है कि वन पिंट इक्वल्स टू 500 ml, वन पिंट इक्वल्स टू 500 ml, मतलब एडल्ट में कितना देंगे, एक से दो पिंट देंगे, कितना देंगे, एक से दो पिंट हम एडल्ट में एनिमा देंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, रिटेन्ड की, तो रिटेन्ड के लिए भी वही, एक एडल्ट के लिए, एक चिल्ड्रन के लिए और एक इन्फेंट के लिए, समझ आई बात। एडल्ट की मैं बात करूं 200 टू 250 ml, ठीक है, ये रिटेन्ड का रह जाएगा। वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इंटेस्टाइनल सर्जरी से पहले हमें कितना वॉल्यूम देना है, मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम कितना होगा, 200 नहीं, 750 नहीं, 400 नहीं, 1000 ml, कितना देना है, 1000 ml, डी विल बी योर राइट आंसर। इसी को क्या लिख सकते हैं, एक से दो पिंट, क्या लिख सकते हैं, वन टू टू पिंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ कैथेटर टिप शुड बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम, कैथेटर टिप की कितनी लेंथ को हम इंसर्ट करेंगे फॉर गिविंग एनिमा टू एन एडल्ट पेशेंट। अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एडल्ट का पूछा है, रेक्टम में कैथेटर टिप इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमने बात करी थी कितनी, ए विल बी योर राइट आंसर। इसी का अगर सेंटेंस इंच में कर दिया जाए तो 3 to 4 inch, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब, व्हाट इज द साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एनिमा टू स्कूल चाइल्ड, किसमें पूछा है, स्कूल चाइल्ड में पूछा है, रेक्टल ट्यूब की क्या पूछी है, साइज पूछी है, ठीक है। अब अगर मैं साइज की बात करूं, अब अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज के लिए यहां पर यूनिट नहीं दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम बात करें किसकी, साइज की, साइज की अगर हम बात करें तो साइज जो देखी जाती है किसकी, कैथेटर की, कैसा कैथेटर, एनिमा का कैथेटर। अगर एनिमा कैथेटर की साइज देखी जाए तो किसमें देखी जाती है, फ्रेंच में, किसमें देखी जाती है, फ्रेंच में, फ्रेंच में देखी जाती है। फ्रेंच की अगर मैं बात करूं तो वन फ्रेंच इक्वल टू 0.33 mm, या फिर 1/3 of mm। फ्रेंच किसको डिनोट करवाता है, ये डिनोट करवाता है आउटर डायमीटर को, डायमीटर ऑफ कैथेटर। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे एज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ्रेंच इंक्रीजेस, द कैथेटर डायमीटर विल ऑल्सो इंक्रीजेस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे फ्रेंच के साइज का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे ही उस कैथेटर का डायमीटर भी बढ़ेगा। अब अगर मैं बात करूं अलग अलग एज ग्रुप के लिए, अलग अलग क्या साइज हम लेंगे, एक बात करेंगे एडल्ट की, एक बात करेंगे चिल्ड्रन की और एक बात करेंगे इन्फेंट की। तो मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूं तो एडल्ट के लिए हम कितना यूज करेंगे, 22 फ्रेंच, चिल्ड्रन के लिए हम यूज करेंगे 14 to 80 फ्रेंच। रह जाएगी बात ध्यान, तीन चीजें आपको याद रखनी है, अडल्ट के लिए 22 फ्रेंच, बच्चों में 14 से 18 फ्रेंच और इन्फेंट में 12 फ्रेंच। रह जाएगी बात ध्यान, क्वेश्चन पूछा है हमारे चिल्ड्रन के लिए, तो चिल्ड्रन के लिए याद रखना क्या आएगा, 14 to 18, बी विल बी योर राइट आंसर।
14 French. Next, the purpose of giving purgative enema. The purpose of giving purgative enema. कैसा एनिमा पूछा है? पर्गेटिव एनिमा. पर्गेटिव एनिमा की अगर मैं बात करूं तो पर्गेटिव एनिमा कैसा है? एक तरीके का इवैक्वेंट एनिमा है. कैसा एनिमा है? इवैक्वेंट एनिमा है. देखो कैसा एनिमा है पर्गेटिव एनिमा? इवैक्वेंट एनिमा है. दूसरी बात, पर्गेटिव एनिमा को ही एंटी पर्गेटिव एनिमा को ही हम क्या यूज सॉरी हाँ पर्गेटिव एनिमा पूछा है. ऑप्शन में है डिस्ट्रॉय इंटेस्टाइनल वॉर्म, प्रोवाइड एनेस्थीसिया, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, इंप्रूव पेरिस्टाल्सिस. दो ऑप्शन आपके वैसे ही हट जाएंगे. एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक एनिमा, न्यूट्रिशन न्यूट्रेटिव एनिमा. तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही हट गए. इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के लिए हम जो यूज करते हैं वो कौन सा एनिमा यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एंटीहेल्मिंथिक एनिमा. कैसा एनिमा? एंटीहेल्मिंथिक एनिमा. ठीक है, एंटीवॉर्म वाला. पर्गेटिव एनिमा क्या करता है? आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ा देता है. और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के बढ़ने से क्या होगा? आपका जो फीकल मटेरियल है वो इजीली इवैक्यूएट आउट हो जाएगा. और आपका राइट आंसर विल बी डी. डी विल बी योर राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए हैरिस फ्लश ड्रिप. इसके बारे में पूछा है, हैरिस फ्लश ड्रिप. ये एक तरीके का रिटर्न फ्लो एनिमा है. इसका पर्पस ही इसके नाम में लिखा हुआ है. हैरिस फ्लो एनिमा कैसा एनिमा होता है? इट इज अ रिटर्न फ्लो एनिमा. जहां फ्लो को क्या आना है? वापस आना है. वैसे तो फ्लो कहां जाता है? एनिमा कैन टू एनएस, एनएस से रेक्टम में, रेक्टम से होता हुआ कॉलोन में. पर यहां पर क्या होना है? कॉलोन से वापस कंटेनर में जो फ्लो जाएगा दैट वुड बी कॉल्ड रिटर्न फ्लो एनिमा या फिर हैरिस फ्लश ड्रिप एनिमा. ठीक है, इट इज ऑर्डर्ड फॉर एन एडल्ट पेशेंट विद फ्लैटुलेंस. ये कैसे पेशेंट में ऑर्डर किया जाता है? क्वेश्चन में ही आपकी चार बातें हैं कि हैरिस फ्लश ड्रिप कैसा एनिमा है, रिटर्न फ्लो एनिमा है, मतलब कि फ्लो कैसा आएगा, रिवर्ट बैक आएगा. दूसरी बात, हैरिस प्लस एनिमा अपन किस में यूज करेंगे? फ्लैटुलेंस में. ऐसा पेशेंट जो किससे सफर हो रहा है? फ्लैटस से. फ्लैटस का मतलब क्या होता है? गैस. फ्लैटस का मतलब क्या होता है? गैस. इन कंपैरिजन टू क्लीनिंग एनिमा व्हाट शुड द नर्स डू दैट इज यूनिक टू ए रिटर्न फ्लो एनिमा. कौन सा ऐसा एनिमा है जो यूनिक है, जो रिटर्न फ्लो में काम आएगा? किस तरीके से हमें देना है? कैसे पेशेंट में? फ्लैटस के फ्लैटुलेंस के पेशेंट में कंपैरेटिव टू क्लीनिंग एनिमा. जो बेसिक इवैक्यूएंट एनिमा हम देते हैं उसके कंपेयर में हम किस तरीके का देंगे? वो है हैरिस फ्लस ड्रिप. ऑप्शन क्या कह रहा है? सॉल्यूशन कंटेनर शुड रेज 12 इंचेस अबव द एनएस. हाइट को ऊपर ले जाने से, सपोज ये आपका कोई पेशेंट है, ये आपका एनिमा कैन है. अगर एनिमा कैन को ऊपर ले जाया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा फ्लूड का, ना कि घटेगा. तो 12 इंचेस ऊपर ले जाने का मतलब है कि फ्लूड का प्रेशर बढ़ना. अगर बढ़ेगा तो वो कॉलोन से आगे की तरफ जाएगा, ना कि वापस लौटकर कंटेनर को आएगा. तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता. सेकेंड इज इंसर्ट द रेक्टल ट्यूब 3-4 इंच इनटू एनस. इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बट फॉर नॉर्मल एनिमा. हमें यहां पर एनिमा कितना इंसर्ट करना है ट्यूब को, यहाँ कोई जिक्र नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज लुब्रिकेट द लास्ट 5 सेंटीमीटर ऑफ द रेक्टल ट्यूब विद वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट. ये भी बात सही है कि हमें रेक्टल ट्यूब को वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट से क्या करना होता है? लुब्रिकेट करना होता है. द डिफरेंट थिंग इज द सॉल्यूशन कंटेनर इज लोवर्ड. कैसा होगा? सॉल्यूशन कंटेनर इज लोवर्ड, ये ध्यान रखना. Lowered, instilling about 150 ml of solution. देखो, solution container को क्या करना है? नीचे की तरफ लाना है. क्या करेंगे? नीचे की तरफ लाएंगे. Solution container को अगर हम नीचे की तरफ लाएंगे तो नीचे लाने से क्या होगा कि आपका जो फ्लो है वो कैसा हो जाएगा? रिटर्न फ्लो हो जाएगा.
कॉलोन से वापस कंटेनर की तरफ आएगा, उस रिटर्न फ्लो के ही अपन क्या कहते हैं, हैरिश फ्लश ड्रिप। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंसर्ट के बाद हमें क्या करना है, उसे लोअर लाना है। क्या करना है, लोअर लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल आर रिटेंशन एनिमा, सारे कैसे हैं रिटेंशन। आपको रिटेन्ड एनिमा मैं पहले भी बता चुका हूं, स्टिमुलेंट एक रिटेन्ड एनिमा है, न्यूट्रिटिव एक रिटेन्ड एनिमा है, एमोलेंट एक रिटेन्ड एनिमा है, तो राइट आंसर विल बी ऑयल एनिमा। ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑल ये तो वही है, हाँ, सॉल्यूशंस आर यूज्ड फॉर इवैक्यूएंट एनिमा। इवैक्यूएंट एनिमा के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। ठीक है, इवैक्यूएंट एनिमा में हमेशा वॉल्यूम कैसा रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, और सोप एंड वॉटर, टेप वॉटर, नॉर्मल सलाइन वॉटर, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना, इवैक्यूएशन के लिए जो हम वॉटर लेते हैं उसका टेम्परेचर कैसा होता है, थोड़ा सा हाई होता है। क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है। सोप एंड वॉटर भी यूज करेंगे, टैप वाटर यूज करते हैं, सलाइन वाटर यूज करते हैं, तो राइट आंसर विल बी डी। तो डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमा विच इरिटेट द म्यूकोसल लाइनिंग। कैसा एनिमा है, इरिटेट म्यूकोसल लाइनिंग एंड स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। यहां जितने भी नाम है ये सारे किस तरीके के एनिमा है, इवैक्यूएंट एनिमा। कैसे एनिमा है, इवैक्यूएंट एनिमा। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं इवैक्यूएंट के बारे में, किस तरीके का एनिमा की हम बात कर रहे हैं, इवैक्यूएंट। अगर इवैक्यूएंट एनिमा की बात करूं तो मैंने पहले भी बताया था, इवैक्यूएंट को ही एक्सपेलिंग एनिमा कहते हैं, एक्सपेलिंग को ही नॉन रिटेंटिव कहते हैं, नॉन रिटेंटिव एनिमा। इवैक्यूएंट एनिमा की अगर बात करी जाए तो तीन तरीके का एनिमा होता है इवैक्यूएंट, एक इज कोल्ड एनिमा, एक इज सिंपल एनिमा, और एक होता है मेडिकेटेड एनिमा। याद रखना, जो कोल्ड एनिमा है ये हमेशा किसके लिए यूज में लिया जाता है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है। कोई पेशेंट है जिसे हीट स्ट्रोक हो गया है, हीट स्ट्रोक की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, हाइपरथर्मिया की कंडीशन आ गई है, इन दैट कंडीशन हम कोल्ड एनिमा यूज करते हैं, इसको आइस एनिमा भी कह देते हैं। इसमें हम बेसिकली टेम्परेचर कितना रखेंगे, 70 डिग्री फॉरेनहाइट। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 65 to 85 डिग्री फॉरेनहाइट हम इसमें क्या रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर रखेंगे। सिंपल एनिमा की मैं बात करूं तो इसको क्लींजिंग एनिमा भी कहते हैं। क्लींजिंग एनिमा के अलावा इसके अंदर जो बेसिक अपन सॉल्यूशन वगैरह यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, सॉल्यूशन जो टैप वाटर, सलाइन वाटर, ये सारा अपन इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेडिकेटेड इवैक्यूएंट एनिमा की, तो इन्हीं के कुछ टाइप में आते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था परगेटिव एनिमा, देखो परगेटिव एनिमा में एक चीज ध्यान रखना, पी से परगेटिव और पी से ही क्या आ जाएगा, पेरिस्टाल्सिस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पेरिस्टाल्सिस। परगेटिव एनिमा क्या कर देता है, आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से आपका बॉबल इजीली खाली हो जाता है। ठीक है, परगेटिव एनिमा की अगर मैं एक और बात बताना चाहूं तो इसे मोस्ट कॉमन यूज लिया जाता है क्लिनिकली, जिसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं, एक हम यूज करते हैं कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव की अगर मैं बात करूं तो कार्मिनेटिव को ही कह देते हैं एंटी स्पास्मोडिक। की अगर बात कर ली जाए तो ये किसको रिड्यूस करता है, फ्लेटस को रिड्यूस करेगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिलीज करेगा। ठीक है, आगे बात ध्यान में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक हम यूज करते हैं एंटी हेलमिंथेट।
एंटी हेलमिंथिक की अगर अपन बात करें तो एंटी हेलमिंथिक किसको किल करता है, वॉर्म्स को किल करता है, सॉरी वॉर्म्स को किल करता है, जो भी आपके इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं उनको किल करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, एंटी हेलमिंथिक। एक पड़ा कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव क्या करेगा, एंटी स्पास्मोडिक भी कहते हैं, जो फ्लैटस को रिड्यूस करेगा। एक अपन पढ़ते हैं पर्गेटिव एनिमा, जो पर्गेटिव एनिमा किसको यूज करते हैं, ग्लिसरीन हम इसमें यूज करते हैं, जो पेरिस्टाल्सिस को आपको बढ़ावा देता है। इसके अलावा एक हम यूज करते हैं ऑयल एनिमा, जो आपके स्टूल को सॉफ्टनिंग करता है। एक हम पढ़ते हैं एस्ट्रिजेंट एनिमा, एस्ट्रिजेंट एनिमा। एस्ट्रिजेंट एनिमा कब काम में लिया जाता है, ये मेनली ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, क्या करेगा, ब्लीड को प्रिवेंट करेगा। किसी भी तरीके के इंटेस्टाइनल इंफ्लामेशन को और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा एनिमा है जो पेरिस्टाल्सिस को बढ़ावा देता है, हमने बात करी थी पर्गेटिव एनिमा, तो राइट आंसर विल बी ए, एस्ट्रोजेंट एनिमा ब्लीड को प्रिवेंट करेगा, ऑयल एनिमा स्टूल सॉफ्टनिंग करेगा, और कार्मिनेटिव एनिमा फ्लैटस को रिड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, एनिमा विच कॉन्ट्रैक्ट द टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स चेक ब्लीडिंग एंड इन्फ्लामेशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्लीडिंग और इन्फ्लामेशन से रिलेटेड कौन सा एनिमा है, एस्ट्रिजेंट एनिमा, ठीक है। राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमा यूज टू डिस्ट्रॉय एक्सपेल वॉर्म्स, आपके वॉर्म्स को किल करने का कौन काम करता है, अभी बताया था एंटी हेलमिंथिक एनिमा, तो राइट आंसर विल बी सी। देखो और क्या क्या पूछा है, एक पूछा है बेरियम एनिमा, थोड़ी सी देर ध्यान से सुनना, बेरियम एनिमा क्या है, एक तरीके का डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया हुआ है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो हम यूज करेंगे तो बेरियम एनिमा दिया जाता है। बेरियम एनिमा किसको इंडिकेट कराने के लिए दिया जाता है, लोअर जीआई में किया किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेरियम एनिमा देंगे। एक चीज और इससे रिलेटेड है, बेरियम मील हम और हम देते हैं, बेरियम मील क्यों दी जाती है, ये अपर जीआई के ऑब्स्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए दी जाती है, ठीक है, रह जाएगी बात ध्यान। एक हम देते हैं कोल्ड एनिमा, कोल्ड एनिमा का मैंने बताया 70 डिग्री फॉरेनहाइट हम टेम्परेचर रखेंगे, 65 to 85 डिग्री फॉरेनहाइट, और इसी को आइस एनिमा कहते हैं। दूसरा हाइपरथर्मिया में ये काम आती है और हीट स्ट्रोक की कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और रिटेंशन एनिमा मैं आपको सारे बता चुका हूं। नेक्स् ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग द पेशेंट शुड बी एनकरेज टू रिटेन द एनिमा सॉल्यूशन। हाँ नई चीज कि आपने जो एनिमा देना है उस एनिमा के सॉल्यूशन को कितना, कितनी देर तक, किस टाइम लिमिट तक आपको रिटेन करना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल 10 to 15 सेकेंड, 15 to 20 मिनट, 20 to 35 सेकेंड, 5 to 10 मिनट। सेकेंड्स की बात ही हटा दो, अगर मिनट्स की बात करें तो कई जगह आपको चेंजेस मिलेंगे देखने को, बट इसका राइट आंसर होता है, हमेशा ध्यान रखना, रिटेन कितनी देर करना होता है, 15 मिनट और मोर। ये लाइन आप ध्यान रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो 15 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर 5 टू 10 मिनट में लूं तो ये 15 मिनट से कम है, ठीक है, तो हम राइट आंसर किसको लेंगे, 15 टू 20 मिनट बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब यूज्ड इन एडल्ट व्हाइल गिविंग एनिमा। देखो वापस से साइज का क्वेश्चन आया है, पर इस बार पूछा है अडल्ट में, अडल्ट की अपन ने बात करी थी कितना, 22, तो 22 से 30 तक का अपन किस में लेते हैं, अडल्ट में लेते हैं, ठीक है, रह जाएगी ध्यान। 12 से 18 किस में लेते हैं, चाइल्ड में लेते हैं, सॉरी 14 से 18, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एनिमा इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द क्लाइंट हु सफर गैसियस डिस्टेंशन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप कौन सा एनिमा देंगे, कौन सी कंडीशन में, जहां आपको रिलीफ करवाना है क्लाइंट को जो परेशान है किससे, गैसियस डिस्टेंशन से। गैसियस डिस्टेंशन का मतलब क्या होगा कि क्लाइंट को क्या हो रहा है, फ्लैटस है, फ्लैटुलेंस की कंडीशन है, एक्सेसिव फ्लैटस को रिमूव आउट करने के लिए हम किस तरीके का एनिमा देंगे, हम देते हैं कार्मिनेटिव एनिमा। इस कार्मिनेटिव एनिमा को ही और क्या कह दिया जाता है, एंटी स्पाज्मोडिक एनिमा। ठीक है, तो गैसियस डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए सिग्मोइडोस्कोपी, पेशेंट की क्या होना है, सिग्मोइडोस्कोपी होना है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड द क्लाइंट इन प्रिपरेशन फॉर दिस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। पहली चीज कि सिग्मोइडोस्कोपी क्या है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जहां हम सिग्मोइड का क्या कर रहे हैं, एंडोस्कोपिक इंटरनल विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इस दौरान हमें क्या करना है, क्या नर्सिंग प्रायोरिटी है, ए स्टराइल कंटेनर विल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन। नहीं, स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए स्टराइल कंटेनर देना है, ये कहीं मेंशन नहीं होगा। विदहोल्ड फूड फॉर 48 आवर्स बिफोर द टेस्ट। देखो, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम प्री ऑपरेटिव एनिमा देते हैं। प्री ऑपरेटिव एनिमा क्यों दिया जाता है, सर्जरी से पहले दिया जाता है, पर कितना टाइम पहले दिया जाता है, एनबीएमबी करते हैं, 6 to 8 hours बिफोर दिया जाता है। ठीक है, तो 48 hours भी नहीं होगा। ए चॉक लाइक सब्सटेंस विल हैव बी सोलोइंग, यहां चॉक लाइक सब्सटेंस का मतलब है बेरियम। क्या है, बेरियम, मतलब कि आप क्या ले रहे हैं, डाई यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, हैव एन एनिमा एट मॉर्निंग बिफोर द टेस्ट। राइट, दिस विल बी योर राइट आंसर, कि आपको जिस दिन प्रोसीजर करना है, डी विल बी योर राइट आंसर। जब भी आपको प्रोसीजर करना है सिग्मोइडोस्कोपी, उस दिन मॉर्निंग में आप क्या करेंगे, बिफोर 6 to 8 hours पेशेंट को एनबीएम रखेंगे और एनिमा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्सेप्ट का पूछा है कि सारे ऑप्शंस हैं किस चीज के, कॉन्स्टिपेशन के, पर एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टिपेशन को कॉज नहीं करेगी। फर्स्ट ऑप्शन इज इनएडिक्वेट फाइबर इनटेक। आप जब रफेस्ट डाइट नहीं लेंगे तो पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, सही है, हो जाएगा। डिक्रीज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टिलिटी, अगर आपकी जीआई मोर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो भी आप पेशेंट को क्या रहना लग जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगा। डिक्रीज फ्लूड इनटेक, यस, फ्लूड इनटेक कम लेने की वजह से भी पेशेंट में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होने की चांसेस है। द राइट आंसर विल बी लैक्सेटिव अब्यूज। एक चीज ध्यान रखना, बी विल बी योर राइट आंसर। लैक्सेटिव क्या करता है, लैक्सेटिव आपके स्टूल को इजी करता है, सॉफ्टनिंग का काम करवाता है और इजीली पास आउट करवाता है। पर यहां पर कंडीशन क्या पूछी गई है, अब्यूज पूछी गई है। अब्यूज का मतलब आपने लैक्सेटिव का क्या कर लिया है, ओवर यूज कर लिया है। क्या कर लिया है, ओवर यूज कर लिया है। तो ओवर यूज करने की वजह से क्या होता है, ओवर यूज की भी दो स्टेज होंगी, एक करली होगी और एक लेट स्टेज होगी। तो ओवर यूज की वजह से पेशेंट में क्या नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अपन ने ओवरऑल किसके बारे में पढ़ा, एनिमा के बारे में पढ़ा। अब जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं, पेशेंट के लिए पोजीशन कौन सी रखी गई है, यहां पर पोजीशन है, पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन कौन सी है, लेफ्ट लेटरल। ठीक है, पोजीशन कौन सी रखी गई है, लेफ्ट लेटरल रखी गई है। जो एनिमा कैन की हाइट है, यह हाइट हमें कितनी रखनी है, 18 इंच फॉर एवेक्वेंट और 8 इंच फॉर रिटेंट। ठीक है, 45 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
कितनी इंसर्ट करनी है, 3 to 4 inch आपको इसको इंसर्ट करना है। जेली कैसी यूज करनी है, वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट, ठीक है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना इवैक्यूएंट वाला जो होता है वो एडल्ट के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। एडल्ट की बात करूं तो 110 डिग्री फॉरेनहाइट और चिल्ड्रन के लिए 100 डिग्री फॉरेनहाइट। रिटेंड जो होता है ये बॉडी टेम्परेचर पे ही दिया जाता है। जो आपकी बॉडी में रिटेंड होना है वो किस टेम्परेचर पे दिया जाएगा, बॉडी टेम्परेचर पे दिया जाएगा, ठीक है। लेग फ्लेक्स है, नी फ्लेक्स है, ताकि इजीली पोजीशन हो सके। कॉलन वाला जो रीजन है वो क्या है, बिलो रेक्टम है, ताकि आप इजीली आपके फ्लूड को इंसर्ट करवा सके, ठीक है। कॉमनली जो अपन साइज यूज करते हैं वो 22 फ्रेंच की यूज करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप 12 इंच हाइट ऑफ केन इंक्रीज, तो क्या होगा, अगर आप 12 इंच हाइट इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 पाउंड प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। याद रखना, अगर आपने एनिमा के हाइट की केन की हाइट 12 इंच इंक्रीज कर दी है तो उसकी वजह से 0.5 पाउंड आपका जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। हमने ओवरऑल एनिमा के बारे में बात करी, एनिमा को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या उसके पर्पज हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्या क्लासिफिकेशंस हैं, ये सारी बातें हमने कहीं ना कहीं ध्यान रखी, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहां हम किसी नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, वेलकम।